हे गाइस, आज हम बनाएंगे हनुमान जी की ड्राइंग ऑयल पेस्टर कलर से। सबसे पहले इसको मैं टेप कर लेता हूँ। इरेजर से पहले इसे हल्का सा इरेज कर लेंगे। मुकुट कंप्लीट करेंगे तो रेफरेंस फोटो में हम देखो कि एक साइड ज्यादा येलोइश है और एक तरफ थोड़ा सा कम है, तो उस साइड में हम डीप येलो करेंगे और जो ज्यादा लाइट है वहाँ पे हम येलो नॉर्मली येलो करेंगे। तो वैसे पूरा नॉर्मली हमें जैसे फिल कर देना पूरे मुकुट में। ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के डार्क एरियाज में कलर अप्लाई करना, और जहाँ पे लाइट एरियाज में है वहाँ पे लाइट करना। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। वैसे बेस लेयर ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। येलो कलर से एक लेयर चढ़ा दूं ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके, कोई पैचेस ना आए। जगह पे हमने पहले ब्राउन किया था उसकी जगह पे हम डार्क ब्राउन करेंगे और हल्के प्रेशर से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड लेयर है तो यहाँ पे बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अब जिस पार्ट में ज़्यादा डार्क है उस पार्ट में ब्राउन कलर से हम शेडिंग करेंगे। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फेस कलर से ब्राउन कलर को ब्लेंड करते हुए पूरे फेस को कवर करेंगे और उस पार्ट को छोड़ देंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइलाइटेड है, वहाँ पे हम वाइट से करेंगे। अब वाइट कलर से हम उस पार्ट को पूरा फिल कर देंगे जो हाइलाइटेड है और पूरे फेस को हम वाइट कलर से ब्लेंड करते हुए चलेंगे। अब सबको हल्के हल्के हाथ से हम ब्लेंड कर देंगे क्योंकि सेकंड थर्ड लेयर हो गई है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पूरा बिगड़ सकता है, पैचेस आ सकते हैं, इसलिए हल्के हल्के हाथ से सबको ब्लेंड कर देना है। अब थोड़ी डिटेलिंग ऐड करेंगे फेस के ऊपर। रेफरेंस फोटो में आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे फेस के ऊपर येलोइश शेड दे रखा है और मुंह के साइड यहाँ पे पिंक शेड दे रखा है, तो अब वो देते हैं। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग हम ऐड करेंगे, जैसे आईज के ऊपर है और ईयर्स के पे, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखो। आज के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट करेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।